हम अभी हैं कुरुक्षेत्र में और जब हम अपनी रिपोर्टिंग के दौरान एक गांव जा रहे थे तो रास्ते में महिला मजदूर हैं जो प्याज निकाल रही हैं देखिए आप सब जो प्याज खाते होंगे घर पर कभी कभी ये जब महंगा हो जाता है तो लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और सरकार को सस्ता बेचना पड़ता है कॉलोनियों में उसी प्याज को निकाल रही हैं खेत से और इसे काटेंगी और काटने के बाद इन्हें मजदूरी मिलेगा तो चुनाव का वक्त है तो हम इन अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के पास आए हैं ये जानने के लिए कि इनके लिए चुनाव के मुद्दे क्या हैं इनके जाति मुद्दे क्या है कैसे घर परिवार चल रहा है महंगाई है या नहीं है सरकार से इन्हें क्या लाभ मिला क्या नहीं कैसा चल रहा है घर परिवार बस कैसा चल रहा है बस ऐसे चल रहा है जी नहीं है जी घर परिवार महंगाई है महंगाई तो बहुत ज्यादा चल रही जी तो कैसे घर परिवार चला रही है बस ऐसे ही चला रहे जी कभी भूखे कभी गरीब परिवार में यही हो रहा है दिहाड़ी मजदूरी करा जी बस प्याज जो निकाल रही है इसमें आपको कितना मेहनत आना मिलता है कैसे मिलता है इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ा जिसमें पाड़ा जी ना काटा जी ट्रोली में भरा जी बहुत, हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ा तो तब आपको क्या मिलता है बस प्याज ही मिला जी बस <बसौरी> कितना मिलेगा बस यही पाँच दस किलो मिला जी दिन भर काम करने का पाँच दस किलो हाँ जी अच्छा तो आप इसे बेच देती है की रखती है ना जी रखते हैं जी घर रखते हैं तो धूप काफी तेज है ये बताइए कि चुनाव चल रहा है इधर लोकसभा का चुनाव है सांसद चुनेंगे सांसद प्रधानमंत्री चुनेंगे आपके जीवन में कुछ बदला है सरकार से कोई लाभ हुआ मिला ना जी कुछ नहीं मिला जी ना कोई प्लाट कटा जी ना घर बना जी घर पड़े जी कड़ियाड़ी के घर चुहा जी छोटे छोटे टपकता है जी जी और टपका जी और ये जो गैस घर पे गैस पे खाना बनाते हैं कि चूल्हे पे चूल्हे पे बनावा जी गैस सिलेंडर मिल तो रहा है किस तरह जार का भरा सीधा कहाँ ऐसी इतने पैसे महंगा है गैस तो सरकार तो कह रही है हम मुफ्त में आ, सस्ता दे रहे हैं ना आज कुछ नहीं देने की बात आज तो बस और जार रहा कबरा जी सीधा कुछ नहीं है सस्ता सुस्ता महंगा ही जा रहा है तो तो इनका कहना है कि महंगाई बढ़ रही है और कमाई नहीं बढ़ रही है और ये रुक नहीं रही है क्योंकि इनको अपना काम पूरा करना है धूप बहुत तेज है दोपहर के बारह साढ़े बारह बजने वाले हैं आप क्या कह रही हैं मैं क्या कह रही रोटी भी नहीं खाई है रोटी कड़ाई दो बजे से खाओ दो बजे खाने को मिलेगा फिर पैसे बनेंगे कुछ डैडी बनेगी अच्छा तो सुबह से क्या खाई है आप चोर खा खाई थी मैं तो क्या है ये चावल चावल खा के आई थी सुबह बना की, की रात का रात का बचा हुआ तो ये बताइए कि घर परिवार कैसे चल रहा है जीवन कैसे चल रहा है बस ये चल रहा है जी में कैसा जीवन हमारा घर तो कच्चा जी जमी चुआ आपका भी घर कच्चा परमेट भी कट गया हमारा तो अच्छा आपका राशन कार्ड भी नहीं है तो आपको सरकारी राशन भी नहीं मिलता होगा ना जी मिलता नहीं मोल लेवा खरीदती हैं और करके खरीदना फिर ये बताइए कि चुनाव चल रहा है आपको पता है कौन कौन लोग खड़े हैं किस पार्टी से मान तो पता नहीं जी चश्मे वाला का तो माना पता रहा उसका उसका फूल का भी पता जी फूल से कौन है यो मोदी और चश्मे वाले से चटाला और झाड़ू से झाड़ू का कौन है माना पता जी अच्छा <laughs> तो मोदी जी थोड़े खड़े हैं वो तो प्रधानमंत्री हैं वह दूसरा खड़ा है जी क्या नाम है नवीन मान कौन है नवीन जिंदल नवीन जिंदल हाँ जी तो आप किसको वोट देती हैं जो सही काम चला उसी तो देगा मैम किसने सस... आपके लिए सही काम किया अभी तक तो मारो तो कुछ नहीं करा जी आपको कुछ नहीं करम भी कट रहा है कहाँ कर दे ग्रांट अच्छा घर भी कच्चे कड़ी टूट रही है हमारी तो अच्छा।, अच्छा आप जब हम बात कर रहे थे तो आपने एक बात कही पति शराब पीते हैं है ठेके बंद करवाओ ना तंगोरी सारी औरतें मेरा तो कदी कदी पीवा चल दो महीना में तीन महीने में इनके तो पीका

वो खुद दिहाड़ी करते हैं उसको पी जाते हैं आप जो यहाँ मजदूरी करती हैं उससे आपका घर चलता है हरियाणा में एक चीज है कि शराब के ठेके काफी खुले हुए हैं और देर रात तक आप गाँव से भी गुजरेंगे तो आपको एक आठ ठेका दिख जाएगा और एक अच्छे हालात में देखेंगे तो ये चुनाव में जब नेता लोग आपके यहाँ आते हैं तो आपके लिए नेताओं ने कुछ किया आपका कुछ भला हुआ है बस जी जी रहे आयुष्मान कार्ड आयुष्मान कार्ड आपका भी बना है हाँ जी अच्छा घर घर तो अभी कच्चे ही हैं जी हाँ जी तो आयुष्मान कार्ड का हमने कोई भी मिला, ना कोई भी ना प्लाट मिला जी। अच्छा। बच्चे मारे ही नहीं रहे जी अच्छा कर रहे जी, अपना घर चला रहे अच्छा। ये है जी आपको कोई लाभ मिला जिससे आपको जैसे आप कह रहे कोई ग्रांट नहीं मिला घर नहीं मिला गैस मिला है तो कितने में भरवाती है में जी। ये हजार में भरता है आपको कोई आठ सौ रूपये का इस बार हाँ कम हो गया थोड़ा इसमें हाँ। जो ये मोदी वाला है ना जी। हाँ। जो इस उज्जवल वाली हाँ। उस पर मिला जी आठ सौ का आपको आठ सौ का मिला हाँ और बीच में महंगा भी हो गया हाँ जी ग्यारह सौ का था जी तो लोग कह रहे हैं कि काफी गैस महंगा होता जा रहा है आपके लिए भी महंगा है जी महंगा है जी जो इी का तो मिला जी हमने का तो मिला अच्छा हाँ जी महंगाई है जी शौचालय वगैरह है सोच तो सोच के लिए कहां जाती है आप बस वैसे ही बना जी जी। कच्चा सा। कच्चा सा। सा। और आपके घर में शौचालय है बना हुआ है? सरकारी बना की अपना बना? ना अपना बना, तो, लोन और रहे। तो सरकार से नहीं मिला ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुछ तो सारी स्कीम काट दे सारे हाँ कौन नहीं तो इनको शौचालय भी नहीं मिला है ये इन्होंने अपना कच्चा इन्होंने लोन लेके और आप लोगों का जीवन कितना बढ़िया हुआ बस यू ही हो रहा सारी उम्र कर रहे खा है रहे। सारी उम्र दिहाड़ी कर रहे हैं खा रहे हैं तो ये सरकार से कोई लाभ हुआ मिला आपको दस साल से यहाँ खट्टर जी की सरकार है अब तो मुख्यमंत्री नहीं रहे बीजेपी की सरकार है केंद्र में दस साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कुछ लाभ हुआ मिला आपको इनका लोन लाभ तो कुछ मिले नहीं न ग्रांट आए कुछ मिला आपको नहीं जी तो आपका घर पुराना है कि नया बनवा लिया? जी। अच्छा, ये मजदूरी इसमें कैसे मिलती है अपने घर के खतर अच्छा खाने छह खतर पा पे जिस यहाँ खुदाई होवेगी जिस दिहाड़ी मिलेगी हम ना तीन सौ रूपये सारे दिन में करेंगे तो साल भर आपको दिहाड़ी मिल जाती है नहीं जी कभी मिल जा कभी मिलती नहीं अच्छा हमें रोजगार एक बड़ा मसला आपका बच्चा लोग क्या करता है बस दी करा यही खेत तो में पढ़ाई नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं किए है अच्छा। तो वही वो भी मजदूरी ही करते का काम करा बड़ा लड़का अच्छा। और छोटा मेरा बट्ठे पका अच्छा ये बताइए आपको शौचालय मिला है नहीं जी गैस तो मिल रही है अच्छा

तीन सौ रुपया मैं जन काम आदमी कदम दिहाड़ी लग जा कभी नहीं हाँ। वही अपना कुछ पी जा कुछ राख ला तो यहाँ पे हमने महिलाओं से बात की इनका कहना है कि पति लोग शराब बहुत पीता है और महंगाई एक बड़ी समस्या है यहाँ पर लोगों के बीच में दिहाड़ी करती हैं और फिर घर जाती हैं तो जो कुछ भी सुबह इसमें से कुछ लोग हैं जो चूल्हे पे खाना बनाती हैं कुछ लोग हैं जो गैस पे बनाती हैं गैस महंगा है इनके मुताबिक की क्या समस्या है आपके क्या मुद्दे हैं समस्या तो यही है हमारे आदमी शराब भी में सरदन काम करा रात न मनमाना रोटी बना का हैं क्या करते शराबा पीवा अच्छा शराब एक बड़ा समस्या है काम धाम रोज रोजगार महंगाई इस पे, इसकी क्या स्थिति आप है आपके यहाँ बहुत तो महंगाई हो रही जी अच्छा और मन तो मोदी आला सिलेंडर भी नहीं मिल रहा इस पर बना ले चूल्हे पे खाना बनावा आप चूल्हे पे खाना बनाते है शौचालय है शौचालय है जी दाड़ी दूड़ी करके बनाया था फिर कहीं फिरने की जगह नहीं है जिस तरह रात न कहा फिरा तो सरकार से शौचालय नहीं मिला नहीं जी मिला नहीं अच्छा और नहीं गैस भी नहीं मिला आपको नहीं गैस भी नहीं मिला घर 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 कुछ नहीं मिला कुछ सिर्फ ना तो करका दो खोटड़ी से लाइव पढ़ने की भी मार तो पति सर आप पीते है आपका आपकी कमाई से घर चलता है तो महंगाई को आपको ही मैनेज करना पड़ता होगा कैसे करती हैं? कैसे है कभी सब्जी गला कर ली खाना मिल गया कभी अपना रुखी सुखी कभी चटनी बना का यही है अपना पेट भरने वाली बात इवन दूसरे की रीस तो के कर का भी करी मांग ला दे कभी भूखा रहा कभी टाइम काटना पड़ जा भूखे भी रहना पड़ता भूखे भी रहना पड़ा जी अच्छा। कई बार अपना भूखे सो जा और के करा अच्छा। यही भी भूखे जी जो मां नहीं खाएगी तो बच्चे नहीं खाएंगे मां भी नहीं भूखी और बच्चे भी भूखे सब ही फिर तो तो ये सरकार से राशन नहीं मिलता आपको कि भूखे रहना पड़ता जी, है पांच उस बाजरा लग गया जी पांच किस तरह गर्मी में ये, ये बताइए कि चुनाव चल रहे हैं। आप किस करेंगे? मुद्दे पर तो तभी वोट करेंगे जी जो महंगाई कम होगी अपनी सोच भी दया हाँ। वह पूरी करो भाई जैसे कोई गरीब भाई है कुछ काम नहीं कर सकता उसने भी कुछ मदद करो थोड़ी बहुत ऐसा करो ना तो आपके लिए चुनाव का मुद्दा महंगाई है महंगाई है जी बहुत ज्यादा अच्छा। हां बिल भी बहुत ज्यादा बिजली बिल दो जगह जी बिल इतना मिला। कुछ नहीं मिले तो घर नहीं मिला बाड़े नहीं मिले कुछ नहीं मिले ना कोई दिन बनाया कोई नहीं बनाया भाई कुछ नहीं बनाया जाके देखो कच्चे मकान पड़े मारे तो जमी कच्चे पड़े यार जाके देख लो नहीं की ना किसी ना किसी कुछ बनाया बना और कोई ना कोई मीडिया वाले अच्छा। ना कोई ना कोई मोदी दिना दिया कुछ भी दिया किसी भी। ने कुछ नहीं दिया, दिया, कुछ, कुछ दिया। जावा तो तो कोई न कुछ कर भाई तो आपने सुना की यहाँ की महिलाओं ने हमें बताया की अगर वो दिहाड़ी न करे तो रात को उनके घर पर खाना नहीं बनेगा बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ेगा एक तरफ ये स्थिति है दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार अपनी तमाम उपलब्धियाँ इस चुनाव में गिना रही है जैसे मुफ्त का राशन मुफ्त का इलाज मुफ्त का गैस साथ ही घर लेकिन यहाँ हमने महिलाओं से जब पूछा तो आपने खुद भी सुना होगा कि उन्होंने बताया कि इसमें से कुछ एक सुविधाओं का उन्हें लाभ तो ज़रूर मिला है लेकिन ज़्यादातर से वो महरूम है यहाँ की महिलाओं ने हमें बताया कि उनके पास घर नहीं है उनके घर से पानी टपकता है लेकिन उसमें रहने को मजबूर है ज़्यादातर के पास शौचालय नहीं है कुछ के पास है तो उन्होंने अपने पैसों से बनवाया है तो ये हालात है कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र में पच्चीस मई को मतदान होते हैं नतीजे चार जून को आएंगे यहाँ की महिलाओं से हमने ये भी पूछा कि आप आप किस मुद्दे पर वोट करेंगी तो ज़्यादातर का कहना था इनके लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है जो महंगाई को कम करेगा ये उन्हें ही वोट करेंगे ऐसी खबरें करने में समय और संसाधन खर्च होता है और आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से हम आपके सहयोग से काम करते हैं तो न्यूज लॉन्ड्री को सहयोग करें ताकि मजदूरों की आम लोगों की खबरें आप तक पहुंच सके न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें दिस इलेक्शन सीजन Your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com slash subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.